नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस वक्त सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। चंद्रशेखर आजाद पर बीते बुधवार की शाम कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद अब यूपी में सियासत तेज हो चुकी है। सवाल खड़े हो चुके हैं योगी सरकार पर कि योगी सरकार के राज्य में अब देखने को मिल रहा है कि गुंडाराज बढ़ रहा है। किस तरह से सरेआम चंद्रशेखर आजाद के काफले पर हमला कर दिया गया, गोली उन्हें छूकर निकल गई और अब देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पहले के मुताबिक उनकी सेहत में काफी सुधार है। चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंच रहे हैं तमाम दिग्गज नेता, वहीं अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो इस हमले के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस पोस्ट के मुताबिक यहां पर यह खुलासा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी इस हमले से पहले ही मिल चुकी थी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से बने पेज के जरिए चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी दिए जाने का मामला सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, कल जो गोलीबारी हुई उसको लेकर भी यहाँ पर लिखा गया कि वह अगली बार नहीं बचेगा। पेज पर देखा जाए तो एड्रेस गौरीगंज अमेठी का अपडेट है। फेसबुक का पेज अमेठी जिले के क्षत्रिय समाज के लड़कों का बनाया हुआ बताया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावड़ पर जानलेवा हमला। चंद्रशेखर आजाद रावड़ की कमर में गोली लगी और बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। फिर से हुए एक पोस्ट में लिखा है कि रावड़ बहुत शातिर आदमी है, इसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, भौकाल बनाने की बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। किसी भी बेगुनाह राजपूत को अगर फंसाया जाता है तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, ध्यान रहे। इस तरह से यहां पर बात रखी गई है यहां पर इस फेसबुक अकाउंट के जरिए। सहारनपुर के देवबंद में हुए हमले के बाद चार दिन पहले से ही यहां पर स्पेस पर धमकी भरे पोस्ट में लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद को जिस दिन मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। इतना ही नहीं, वीडियो भी अपलोड करके चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई है। एक वीडियो में दो लड़के आजाद को धमकी देते हुए रील्स अपलोड किए हैं और एक के हाथ में तलवार है, तो वहीं पहले एक लड़के ने भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया था। तो देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को पहले ही धमकी दे दी गई थी। अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है, मामले की तह तक जाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें देखा गया कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला भी किया। हालांकि देखा जाए तो चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिस गाड़ी के द्वारा हमला किया गया था वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अब देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, आखिरकार कौन शख्स है जो चंद्रशेखर आजाद को मारना चाहता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।